फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल ट्रिक टॉकर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स के बारे में। एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं, हम उसके कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे एंड उनके जितने भी टाइप्स हैं उसके एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हम करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एट्रीब्यूट्स, एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स के। एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट ऑफ द एलिमेंट। मीन्स एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एलिमेंट्स के। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने नेम इक्वल्स टू वैल्यू लिखा है, तो नेम इक्वल्स टू वैल्यू में जो है, जो वैल्यू है वहाँ पे हम कुछ डालेंगे, कुछ भी चीज़ हम डालेंगे, तो वो एक हमारे जो एलिमेंट्स है उसका एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। आगे आने वाले स्लाइड्स में हम इसे एक बार हमें एक्सप्लेन भी करके देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो एट्रीब्यूट्स है ऑलवेज स्टार्ट टैग में ही आता है, ठीक है। जहाँ पे हम जैसे स्टार्टिंग टैग्स होते हैं, जो बताया था आपको स्टार्ट टैग एंड टैग, तो स्टार्टिंग टैग्स के साथ ही ये आता है ऑलवेज। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। द एट्रीब्यूट्स नेम इंडिकेट्स व्हाट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यू आर सप्लाइंग अबाउट द एलिमेंट कंटेंट। एट्रीब्यूट्स का जो नेम है वो इंडिकेट करता है कि क्यों, किस तरीके का हम उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। इट शुड बी रिटन इन लोअर केस, ऑलवेज रिटन इन द लोअर केस, ठीक है। द वैल्यू इज द इंफॉर्मेशन और सेटिंग फॉर द एट्रीब्यूट्स। इट शुड बी प्लेस्ड इन द डबल कोट्स, जो इनकी जो वैल्यूज है, जैसे हमने लास्ट में देखा था नेम इक्वल्स टू वैल्यू लिखा होता है, जो वैल्यूज जो है वो ऑलवेज डबल कोट्स में ही आएगा हमेशा से। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स कैन हैव द डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो है उसकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। एचटीएमएल 5, मैंने यहाँ पे एक नोट है, एचटीएमएल 5 अलाउज यू टू यूज द अपर केस एट्रीब्यूट्स नेम एंड ओमिट द कोटेड मार्क, बट इट नॉट रिकमेंडेड। जो एचटीएमएल 5 है उसमें आप अपर केस में भी हम जो है एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस तरीके का यूज ना करें, क्योंकि मे भी हो सकता है इन फ्यूचर में, मतलब जब आपका प्रोग्राम काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो उसमें कुछ इस तरीके का एरर आए, या फिर आपका जो जो आपके कलीग्स हैं अगर उनको आप ये प्रोग्राम देते हैं तो वो क्या पता ना समझ पाए, क्योंकि उन्होंने अगर ओल्ड वर्जन पढ़ा होगा तो उसमें जो हम यूज़ नहीं करते हैं। तो मैक्सिमम जो प्रोग्रामर्स हैं वो लोअर केस ही यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे एट्रीब्यूट्स के टाइप कौन से होते हैं। काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ टाइप मैं आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे एट्रीब्यूट पूछा जाएगा एंड एग्जाम्पल देने को कहा जाएगा। मीन से एक एग्जाम्पल दो, या एक या दो से ज़्यादा, एक दो एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा, तो आप इजिली आप जो है यहाँ से मेरी स्लाइड से आप पढ़ के आराम से दे सकते हैं। हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखते हैं अभी। तो हम पढ़ेंगे HREF एट्रीब्यूट्स। HREF एट्रीब्यूट्स होता क्या है। दी ए टैग, ए टैग को हम एंकर टैग बोलते हैं। द एंकर टैग डिफाइंस अ हाइपरलिंक। द HREF एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई द URL ऑफ द पेज द लिंक गोज टू। मीन्स हम आप जैसे देखते हैं कोई भी एक वेबसाइट है, अगर वहाँ पे कोई वर्ड्स लिखा हुआ है और अंडरलाइन है, तो आप उसे जब क्लिक करते हैं तो क्लिक करने आप एकदम से वो रीडायरेक्ट हो जाते हैं, या कोई इमेज है उस पर क्लिक करते हैं तो आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं दूसरे पेज पे। वो जो प्रोसेस होता है वो एंकर टैग एंड द हेल्प ऑफ HREF टैग के हेल्प से ही वो परफॉर्म होता है। तो किस तरीके से परफॉर्म होता है ये वो एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, वहाँ पे एक जो एंकर टैग है, एंकर टैग HREF इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है, यूट्यूब लिंक दिया है एंड फिर उसके बाद एंकर टैग को क्लोज करके ट्रिक टॉकर्स यूज किया है एंड देन फिर उसके बाद एक मीन्स एंकर ब्रैकेट जो है उसे क्लोज किया है, तो एंड टैग का यूज किया। तो यहाँ पे जो ट्रिक टॉकर्स है वो एक हाईलाइटेड फॉर्म में आएगा, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं अभी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके, तो वो हाईलाइटेड फॉर्म में आएगा। जैसे हम ट्रिक टॉकर्स को क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इस पर्टिकुलर लिंक पे। आइए इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये मैंने कुछ कोड्स पहले से ही यहाँ पे टाइप किए हुए हैं, तो ये जो मेरा जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है ये है विजुअल स्टूडियो कोड, जो मैंने ऑलरेडी आपसे पहले कहा था कि ये आप डाउनलोड कर लीजिए, तो आप होप सो आप सबने डाउनलोड कर लिया होगा। तो यहाँ पे हम एक न्यू प्रोग्राम जो है ये मैंने बनाया है HREF टैग का, अब इसे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने डाला डॉक टाइप लिख करके HTML, फिर HTML भी बॉडी दी हमने, फिर H2 का टैग यूज़ किया हमने एंड फिर उसका पैराग्राफ
एंड देन फिर उसके बाद एक एंकर टैग HREF के अंदर हमने लिंक दिया है एंट्रिक डॉकर, सेम चीज जो हमने वहां पे एग्जांपल में डिस्कस किया है। आई इसको रन करके देखते हैं हम। आपको ये बताना चाहूंगा मैं कि ये जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ये ऑलवेज स्टोर जो होते हैं वो HDDocs के अंदर होते हैं। यहाँ पे ये सी फाइल होती है, जैम फोल्डर के अंदर फिर HDDocs आता है, HDDocs के अंदर फिर हम एक फाइल बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाया है, आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग से ही। सी में हम जो ये हमारा जो सी फोल्डर है, सी फोल्डर में हम फिर यहाँ पे जैम पे जाते हैं। जैम में जाने के बाद यहाँ पे एक HDDocs ये फोल्डर बना हुआ होता है, इसे हम क्लिक करते हैं। जितने भी हम प्रोग्राम बनाएंगे इन फ्यूचर में, HTML हो गया, CSS, JavaScript, PHP, जितने भी प्रोग्राम्स हम बनाएंगे अभी इन फ्यूचर मेरे इस ट्यूटोरियल में, वो मैं हमेशा इसी HTDocs में ही सेव करूंगा। तो यहाँ पे HTML फाइल है, HTML फोल्डर बनाया मैंने, HTML एट्रीब्यूट्स उसके अंदर एक और सब फोल्डर बनाया है, उसके बाद ये प्रोग्राम्स जो मैंने बनाए थे। तो हमारा हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो HREF HTML के बारे में। इसको हम डबल क्लिक करेंगे देन हमारा एक ब्राउजर ओपन होगा जो जिसे मैंने यहाँ पे रिकमेंड कर रखा होगा। तो ये आया है उसका आउटपुट आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, द HREF एट्रीब्यूट्स। H2 का टैग यूज किया था तो H2 हाईलाइट होके बोल्ड होके आया है, साइज भी देखिए थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद हमने पैराग्राफ का यूज किया था एंड देन फिर उसके बाद एक एंकर टैग का यूज किया था हमने, जिसमें HREF करके हमने एक लिंक दिया था एंड ट्रिक टॉकर्स वहां पे हमने एज अ वर्ड यूज किया था। तो जो ट्रिक टॉकर्स जो है वो हमारा एक एंकर टैग का लिंक रिकमेंड कर, यहाँ पे मीन्स लिंक वो रिप्रेजेंट कर। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे आपको देख रहे होंगे वहां पे कि कलर भी थोड़ा चेंज है, अंडरलाइन भी आ गया है। जैसे हम उसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने का देखिए जो हमने वहां पे लिंक दिया है वो यूट्यूब का लिंक था, ये मेरे चैनल का पेज है, उस पर हम वो रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि आप कोई सी भी लिंक दे सकते हैं, चाहे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, किसी सॉन्ग से रिलेटेड कोई सी भी वेबसाइट है उसके लिए हम लिंक दे सकते हैं। लिंक कॉपी करने के लिए आपको यहाँ से लिंक कॉपी करना होगा, ऊपर से इसे कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी करेंगे एंड देन फिर वहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जो HREF के बाद जो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, ये डबल कोट्स के अंदर हम उसे पेस्ट करेंगे तो वहाँ पे एक वो कंप्लीट लिंक वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा एंड देन फिर उसके बाद हम प्रोग्राम जब रन करेंगे तो सेम प्रोसेस होगा। आप उसे क्लिक करेंगे तो आप उस मीन्स जहाँ पे जैसे ये ट्रिक टॉकर्स मैंने जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ट्रिक टॉकर्स का आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप उस पर जो भी लिंक आपने आप देंगे उस पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये तो था HREF एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको बताया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर एट्रीब्यूट्स मीन्स इसके अदर एग्जाम्पल्स के बारे में एंड इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।